नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा दरबार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने की योजनाएं बना रहे हैं, देश में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना सिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हालात ये हैं कि ये छवि देश में बनने से पहले ही बिगड़ती जा रही है। जी हाँ, एक के बाद एक सांप्रदायिक घटनाओं से शांति भंग तो हो ही रही है, साथ ही साथ ये भविष्य के लिए भी शुभ संकेत नजर नहीं आ रहे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में अल्पसंख्यकों द्वारा मंदिर तोड़ने की खबरों के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित एक हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है और इस मामले में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि खतौली के सर्किल ऑफिसर आशीष प्रताप ने बताया है कि ये घटना 4 जुलाई की है, सुबह के वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही जानकारी ये भी है कि तोड़फोड़ के आरोपी व्यक्ति ने मंदिर में ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि मंदिर के अंदर घुसकर मौजूद लोगों के साथ बदतमीजी की और मारपीटी भी की, उन्हें घूसा मारा, साथ ही साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और आरोपी का नाम मूसा बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि वो बुलंदशहर का रहने वाला है। पुलिस की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार मूसा ने मूर्ति को नष्ट करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। पुलिस के सर्किल ऑफिसर ने एनआई को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा कि आरोपी को गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, मामले की जांच की जा रही है। और बता दें कि आरोपी के अल्पसंख्यक समुदाय से होने की वजह से इलाके में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही दक्षिणपंथी हिंदू संगठन मंदिर पहुंचे और थाने का घेराव किया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन सदस्यों को ये कहते हुए शांत किया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उससे यही लगता है कि सांप्रदायिकता की जो ये जंग छिड़ी है उसमें अभी और भी ज्यादा लोग जलने वाले हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।